भाई सुबह सुबह उठ के 6 बजे चलेंगे हम घूमने। 5 बज गया, 6 बज गया, 7 बज गया, भाई अभी तक सोया हुआ। भाई 1 घंटे और सो जाते हैं, 1 घंटे और सो जाते हैं। भाई कितने बजे चल रहे हैं? चलेंगे ना आराम से, क्या जल्दी है, 8:30 बजे। देख तो एक छोटा सा ब्रेक है, सुबह का नाश्ता करते हैं। मैंने वाला ऑर्डर किया आलू प्याज और आलू का पराठा, और लस्सी मेरे लिए, भाई के लिए चाय। तो गुजरात से आया मैं, गुजरात मुझे याद है, राजस्थान का, जयपुर का टेस्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? होप करता हूँ आप सारे के सारे बहुत सही होंगे। तो भाई मैं हूँ अभी जयपुर राजस्थान, और हमारा पहला डेस्टिनेशन है कौन सा फोर्ट है भाई? ये ओके नाहरगढ़ फोर्ट है भाई, सॉरी मजाक कर रहा था। तो हम हैं अभी नाहरगढ़ फोर्ट पे, तो हमने यहाँ पे कार कर दी है पार्क, और पीछे मेरा पूरा फोर्ट है तो उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए। और अपना भाई तरुण मेरे को ये जयपुर में ही था, तो हमने इससे बात करी थी कि भाई मैं मुंबई से जयपुर आता हूँ, तो बोला भाई तू आ जा मिल के घूमेंगे। तो अब भी नाहरगढ़ फोर्ट से एक ऐसा व्यू दिख रहा है भाई, आप देखोगे तो मज़ा आ जाएगा। तो कैमरे को मैं स्विच करता हूँ और वो व्यू दिखाता हूँ, क्या अमेजिंग व्यू है, आप देख सकते हो क्या सही व्यू आ रहा है भाई। पूरा का पूरा जयपुर शहर दिख रहा है यहाँ से। ये है बावड़ी, और ये बावड़ी है, जैसा कि मैं मूवी में देखता था, यहाँ पे पानी वानी लेने रानियाँ आती थी, रानियाँ नहीं दासियाँ आती होंगी, तो वही है ऐसा। पर अभी बहुत कम पानी है, और मुझे जैसा लग रहा है कि वो जो है वो ये स्पेशल एक्सेस मिलता होगा। तो हम जा रहे हैं सनसेट पॉइंट, और वहाँ पे सनसेट होना दिखना चाहिए मुझे। ये इंटरेस्टिंग नेम है भाई, चलो आगे ध्यान दे। तो अब हम आ चुके हैं सनसेट पॉइंट, बट साला सनसेट तो हो नहीं रहा भाई। तरुण भाई सनसेट क्यों ना हो रहा? भाई भरी दोपहरी में सनसेट ढूंढ रहा हूँ मैं सनसेट पॉइंट पे। बाकी चीज विंडो सही है, और ये देखो यार यहाँ से व्यू तो बहुत सही दिख रहा है। ओहो साला कैमरा नहीं गिर जाएगा। मतलब दुनिया चांद पे भी जाके ना देखो, रोहित, लव्स, आशा, सब लड़के लड़कियों के नाम। मतलब भाई दुनिया अगर इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अबे तो क्या है, मतलब इसका क्या है रोहित और आशा, मतलब इसका मतलब क्या होगा ये बता मुझे हा? हम चांद पे भी पहुंच जाए ना तब भी लिखेंगे कबीर, लव, प्रीति, वाड़ा, वाँ, वाँ। आरिश ऊपर लिखा रहा है रिकॉर्डिंग। हाँ अब आ गया भाई, कर बंद कर दो फिर। भाई ये गलत लिखा है कि तोप के ऊपर नहीं बैठना है, तोप के आगे खड़ा नहीं होना है, ठीक है? ये अंदर फोर्ट के अंदर का व्यू है, और भाई दिन को क्यों लाइट जला के रखे हैं लोग, और आवाज़ गूंज रही है, देख रहे है? और जोधा अकबर जो मूवी देखी होगी आपने, कि यहाँ से खिड़की खोल के बाहर देखती है जोधा, भाई ऐसा ही वाला सीन होगा भाई, यहाँ से दरवाजा खोला और सैया जी देखे, ऐसा वाला सीन है। ये भूल भली का टाइप नहीं लग रहा, देख रहे हो ये क्या दिखा रहा है इसमें भाई? ये जो कारीगरी की गई है वो दिखा रहा हूँ मैं, और एक चीज मैं दिखा रहा हूँ, ये देख रहे हो ये खली के छुपने का जगह है, ग्रेट खली यहीं पे अपना मुंह छुपाता होगा मैच अगर हार के आता होगा तो, देख रहे हो ये इसके अंदर ये बाहर, सुरंग ये भाई मेरे हिसाब से ना दासियां जो आंगन में कोई प्रोग्राम होता होगा ना
तो यहीं से देखती होंगी वो, मेरे हिसाब से रानियां या दासियां जो भी हो वो यहीं से देखती होंगी। देखो हम लोगों के लिए आईना वाने लगा के रखा था कि अभिजीत और तरुण आने वाले हैं, तो नारगढ़ के जो होंगे उनका उसको जो देख रेख करते हैं उन्होंने आईना वाने लगा के रखा था। बाहर चेयरमैन भी डाल रखा है। कह रहा जा भोसड़ी क्या है। तो हम घूमते घूमते अभी नाहरगढ़ जो फोर्ट है उसके छत पे आ चुके हैं और छत कुछ ऐसा है और इससे इधर आप देख सकते हो कि पूरा सिटी दिख रहा है। इधर इनके किले हैं जो भी बने हुए हैं और ये छत है। और पता है रियली ऐसा है कि मुझे लग रहा है कि मैं अभी अपने घर आया हूँ, क्योंकि जो मेरे वंशज हैं, मैं राजपूत हूँ और जो मेरे वंशज हैं वो एक्चुअली बिलोंग करते थे राजस्थान धारनगर को, तो मैं एक्चुअली अपने घर आया हूँ ऐसा फील हो रहा है। हूँ मैं बिहार का बट जो हमारे वंशज थे वो राजस्थान के ही थे। तो ये एक्चुअल स्टोरी है जो मैं बोल रहा हूँ कि मैं क्यों अपने घर आया हूँ। देखो भाई हम लोग हैं उल्टे लोग, पहले सनसेट गए और फिर सनराइज़ पॉइंट गए थे, बट सनराइज़ पॉइंट उतना कुछ खास था नहीं, ठीक है, तो इसलिए हम उसका वीडियो डाल नहीं रहे, बस नॉर्मल सा था जैसा बाकी चीज़ें वैसा ही था, तो आपको बोर नहीं करना था इसलिए हम सनराइज़ पॉइंट का कुछ वीडियो नहीं डाल रहे हैं। ओके सॉरी। तो ये ऊपर था नाहरगढ़ फोर्ट और ये नीचे है आपका जल महल जो कि 6 किलोमीटर है ऊपर से नाहरगढ़ फोर्ट से नीचे है ये जल महल। खत्म।